अधिकारी जो है हम लोग के विरुद्ध चलते हैं, हम लोग अंदर लोड चलना चाहते हैं, एंट्री माफिया का पूरा दबदबा है। इस वक्त मैं बिहार के कैमूर में हूँ। यहाँ जो भी ट्रक चलते हैं ओवरलोडिंग चलते हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट का भी और हाई कोर्ट का भी निर्देश है कि कोई भी ट्रक ओवरलोड नहीं चलेगा, लेकिन ट्रक मालक और चालकों का आरोप है कि प्रशासन की मिलीभगत से यहाँ ओवरलोडिंग ट्रक तो यहाँ से जाता है, लेकिन यूपी में अगर 50,000 का फाइन होता है तो सीधा 1,00,000 रुपया लिया जाता है। यानी यह स्थिति हो गई है कि ट्रक मालक औने पौने दामों में अपना ट्रक बेचना शुरू कर दिए हैं। हमारे साथ कुछ ट्रक मालक और कुछ ट्रक चालक भी मौजूद हैं। आइए हम बात करते हैं। हम लोग अंदर लोड चलना चाहते हैं, लेकिन प्रशासन हम लोगों का कोई सहयोग नहीं करता है। हम लोग यूनियन कैमूर यूनियन जो है, हम लोग रोकने का प्रयास करते हैं तो प्रशासन कहता है कि तुम लोगों को अंदर डाल देंगे, परेशान करेगा। तो हम लोग उनके यहाँ गुहार लगाने के लिए रोज चक्कर पे चक्कर काटते हैं, लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं होता है। यूनियन के अध्यक्ष भी हैं, आप लगातार रहे हैं और आपने एक बैठक किया था वाराणसी, चंदौली और कैमूर, उसमें आप लोगों ने क्या निर्णय लिया था? एक आपने आवेदन भी डीएम को दिया था। मेरे आह्वान पे चंदौली, बनारस, गाजीपुर, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर सभी जगह के मोटर मालिक 400 से 500 की संख्या में आकर के मीटिंग की 16 तारीख को, 16/8/2019 को अपने डीएम से जाकर मिले, कैमूर रोहतास, नवल किशोर सिंह से, चौधरी से। उसके बाद में हम लोग इतना अथक प्रयास किया कि ओवरलोडिंग रुक जाए, लेकिन हमारे यहाँ के अधिकारी बिल्कुल सहयोग करने के लिए तैयार नहीं है। जब हम लोग चेकिंग करने के लिए तैयार हुए उनके साथ में, तो उन्होंने जब एंट्री वाले की गाड़ी आती है तो वो दाहिने से बाएं चले जाते हैं, और उधर आने वाली गाड़ी आती है तो इधर से दाहिने चले जाते हैं। यही तरीका है। एकाध अधिकारी जो कि हैं इसमें हम लोग का सहयोग करते हैं, जैसे कि एक RTO हैं, वो सहयोग करने के लिए तैयार हैं, और ताकि अधिकारी जो है हम लोग के विरुद्ध चलते हैं और कहते हैं कि हम लोग तो चेकिंग करते हैं। DM साहब का शेड्यूल ड्यूटी बनी हुई है, अगर वो CCTV कैमरा अगर वहाँ रहता तो मैं दिखाता कि यहाँ पर कितने अधिकारी ड्यूटी कर रहे हैं। हम लोग की स्थिति इतना बदतर हो गई है कि बाल बच्चे को पढ़ाना नहीं चाह रहे हैं कि हम लोग कैसे पढ़ाएं। स्थिति इतना बुरा आ गई है कि गाड़ी की किस्ती तो दूर है, बाल बच्चे के फीस नहीं दे पा रहे हैं। क्या लगता है कि एंट्री माफिया का इसमें कहीं न कहीं दबदबा है? एकदम एंट्री माफिया का पूरा दबदबा है। एंट्री माफिया अधिकारी पे हावी होते हैं और अंदरूनी उनकी मिली भगत से वो बोलते हैं कि हम खाने जा रहे हैं। अरे खाने जाने हैं तो आपकी शेड्यूलिंग ड्यूटी बनी है तो एक अधिकारी को बुला कर जाइए, न तो ड्यूटी छोड़ करके 2 घंटा खाली करके जाइएगा। और DM साहब को लोग बोलते हैं कि हमने तो ड्यूटी करते हैं, और टोल प्लाजा से विजुअल निकाल लिया जाए, हर गाड़ी 10 टन से ओवर चलती है। हमारे कहने पे गाजीपुर में चेकिंग लगा है, यहाँ सोनभद्र में लगा है, अभी वहाँ बलिया में लगा है, जो कि हमारे आह्वान पे, लेकिन हमारे यहाँ के DM एकदम बिल्कुल नाकाम इस्तादे हुए हैं, जरा सा अधिकारियों के ऊपर निगाह नहीं डाल रहे हैं। लगता है कि यहाँ के ट्रक व्यवसायी पलायन कर रहे हैं अन्य प्रदेशों में, या अपना अनुपन्न दाम में बेच रहे हैं? हमारी गाड़ियाँ पूरे बेचने के कगार पे आ गए, उसको लेगा कौन? आखिर कौन लेगा? हमारी स्थिति बुरा बदतर आ गई है, जो कि हमने बड़बिल मेरे यहाँ की गाड़ी जा करके वहाँ से लोग भगा दिए, जो कि मैं कैमूर में आया तो कैमूर से मैं कहाँ जाऊँ? आप देख सकते हैं कि ट्रक एसोसिएशन कितना आक्रोश में है, यानी औने पौने दाम में अपना ट्रक बेचना शुरू कर दिए हैं, यानी यहाँ सब पलायन लोग कर रहे हैं। एक तरफ सरकार कह रही है कि हम रोजगार दे रहे हैं, और दूसरी तरफ सवाल यह है कि जो ट्रक मालिक लाखों रुपए लगा कर अपना ट्रक खरीदे हुए हैं और ओवरलोडिंग के कारण इनको ट्रक औने पौने दाम में बेचना पड़ रहा है। इस समय TDC News के लिए कैमूर से अशोक कुमार।